कर्नाटक में नए सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार, आज दिल्ली आ सकते हैं डीके शिव कुमार, दिल्ली में सिद्धारमैया मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले कर्नाटक के तीनों पर्यवेक्षक, कर्नाटक सीएम को लेकर सौंपी रिपोर्ट। दिल्ली में तय होगा कर्नाटक का अगला सीएम, कांग्रेस आलाकमान तय करेगा मुख्यमंत्री का नाम। सोमवार को दिल्ली नहीं आए डीके शिव कुमार, पेट में संक्रमण का दिया हवाला। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बयान, बोले मेरे पास कोई विधायक नहीं, सभी 135 से मिले, एकजुट आलाकमान करेगा सीएम पद का फैसला। कर्नाटक सीएम को लेकर बोले सिद्धारमैया, कहा सीएम पद पर आलाकमान लेगा फैसला, अभी इंतजार का वक्त। कर्नाटक सीएम के नाम पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा कांग्रेस अध्यक्ष पढ़ेंगे रिपोर्ट, राज्य और केंद्र के नेताओं के साथ चर्चा के बाद होगा फैसला। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, बोले सभी विधायकों से ली गई राय, जल्द मिलेगा कर्नाटक का नया सीएम। कर्नाटक में कांग्रेस से सुन्नी उलेमा बोर्ड की मांग, कहा मुस्लिम समुदाय से हो डिप्टी सीएम। मदरसों पर ओबीसी का हेमंता विश्व शर्मा पर पलटवार, कहा हेमंता की भाषा हमेशा बांटने और डर फैलाने वाली। कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी का बयान, कहा बंगाल में मेरे खिलाफ न लड़े कांग्रेस, कर्नाटक में हमने किया समर्थन। सीएम ममता के बयान पर बोले अधीर रंजन चौधरी, कहा बंगाल में कांग्रेस के बिना टीएमसी का बढ़ना मुश्किल है। सचिन पायलट के बागी तेवरों पर अधीर रंजन चौधरी का बयान, बोले पार्टी हर चुनौती से निपटना जानती है, अशोक गहलोत को बताया काबिल सीएम। पटना के देवी दरबार से बाबा बागेश्वर की हुंकार, कहा बिहार से भड़केगी हिंदू राष्ट्र की ज्वाला। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को भाया बिहार, एक बार फिर लगाएंगे दरबार, सितंबर में गया में होगा आयोजन। धीरेन्द्र शास्त्री ने अब बिहार से अलापा हिंदू राष्ट्र का राग, बोले भारत में रहना है तो सीताराम कहना ही होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, कहा बाबा बागेश्वर के दरबार में नहीं, जहां जालीदार टोपी हो वहीं जाते हैं नीतीश तेजस्वी। बाबा बागेश्वर से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बनाई दूरी, कथा में शामिल होने से इनकार किया। जबलपुर में हिंदुत्व पर बोले दिग्विजय सिंह, हम सनातनी हैं, हिंदुत्व को नहीं मानते धर्म। दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को बताया गुंडों की टोली, बोले हिंदुत्व मतलब डंडा मारो घर तोड़ दो। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, विदेश भागने का था शक। बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी, उमेश पाल मर्डर केस में है आरोपी। ईडी के रडार पर है अतीक के करीबी, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर एक्शन की तैयारी। 71,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, पीएम मोदी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र, 22 राज्यों में 45 केंद्रों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। गुम स्मार्टफोन खोजेगा सरकार का नया पोर्टल, नंबर भी कर सकेंगे ब्लॉक, आज अश्विनी वैष्णव करेंगे लॉन्च।